हेलो दोस्तों, हम लोग छठी मैया के पावन स्थल पर आ चुके हैं। छठी मैया का पूजा शुरुआत हो चुका है। ये जो पूजा स्थल है, छठ पूजा का पावन त्यौहार बहुत धूमधाम से मनाया जाता है हमारे यहाँ। ज़्यादा कर बिहार में यह छठ पूजा मनाई जाती है। ये जो हम लोग पूजा कर रहे हैं, जो सेक्टर 10 में स्थित है गुड़गांव के, हम लोग गुड़गांव में ही पूजा कर रहे हैं। ये जो पानी देख रहे हैं, यहाँ पर नदी तालाब नहीं है। इसको JCB से खोद के गहरा किया गया है छठी मैया का पूजा व्रत करने के लिए। और ये JCB लगी थी, इसको खोदा गया तो गहरा किया गया। इसमें नीचे से जो प्लास्तर भी किया गया, पानी ठहरा रहे, किसी प्रकार कोई किसी दिक्कत ना हो पाए, तो ऐसे किया गया है। इस लोग देखिए पूजा कर रहे हैं, पानी में खड़े हैं, सब डाली लेके अपने सूप थोड़ा जो भी अपने हैं, किनार पे भी अर्जी लगा रहे हैं अपने। ये अपने पूजा कर रखे हैं, जितने व्रत रखे हैं माता बहन। देखिए आगे बच्चे भी बहुत शरारती कर रहे हैं, बहुत धूम मचाए हैं बच्चे भी। ये सब माता बहन बैठी है छठी मैया के पास, पूजा हो रहा है, माता बहन पूजा कर रही हैं। शाम को ये पूजा कर रहे हैं, हम को ये सूर्य भगवान का अर्घ दे के घर पे जाएंगे। घर पे जाने के बाद फिर सुबह आएंगे, सुबह आने के बाद फिर अर्घ देंगे। अर्घ देने के बाद फिर प्रसाद वितरण होगा, वो भी आगे आपको देखने को मिलेगा प्रसाद वितरण। हाय गाइस, नमस्ते, गुड मॉर्निंग, जय छठी मैया। और आज छठी मैया का त्यौहार आया है। मेरी मम्मी छठी मैया का पूजा करी है और नदी में भी जाएंगी, तो आप सबको हम दिखाएंगे अभी। तो ये फल वल, केला, संतरा, सेब अभी बांटेंगे ना, तो आप सबको भी देंगे आना खाने के लिए। और बहुत अच्छा भी लग रहा है इधर, और पानी तो बहुत अच्छा है। चलो आप सब, वहाँ पे आंटी लोग बैठी है, वो भी पूजा कर रही है, और उधर गुब्बारे वुब्बारे लगे हुए हैं, वो भी आंटी पूजा कर रही है। इधर तो ये जो गड्ढा खोदते हैं, जो पानी भरते, इधर तो जल जल गंगा जल नहीं होता, मतलब नदी को गंगा जल, मतलब वो क्या बोलते, पानी। और कि इधर गड्ढा खोद के पानी भरा जाता है, तो इसीलिए हम छठ पूजा भी कर लेते हैं। मेरी मम्मी पल वल चढ़ाई, मेरी मम्मी कितनी प्यारी है, साड़ी भी निकाली, कितनी क्यूट सी, और अच्छा भी लग रहा है। वाओ, कितनी अच्छी साड़ी हम छठी मैया को चढ़ाएगी मेरी मम्मी। और ये सब फल वल है, केला, संतरा, इसमें मम्मी डलिया में रख दी है। ये मेरी मम्मी कितना क्यूट सा बनाई है, मशीन से सिल के, ये कितना क्यूट लग रहा है। देखिए ये पता नहीं क्या बोला जाता है, मेरी मम्मी को ही पता है, पता नहीं क्या बोला जाता है इसको। ये दौरा धकने वाला है, तो आप सबको पहले मैं बोल देती हूँ, जय चटी मैया कमेंट में लिखना, और मुझे अच्छा भी लगेगा। आप बहुत सारे कमेंट करिए, और आप तो कमेंट कर ही नहीं रहे हैं मेरी मम्मी को। और लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट, शेयर जरूर करिए। और ये सब
बलून सजाए गए हैं, इधर भी छठी मैया बनाई गई है, ये सारे बातें भी कर रहे हैं अंकल और भैया भी। तो मैं देखो ये नदी है, ऐसे ही इसमें बच्चे उछल कूद कर रहे हैं, लड़कियां भी है और इसमें आंटी भी जा रही है, नहाते भी है इसमें, और ये बहुत बढ़िया है। और उधर भी बनी है उधर, और ये सब बलून सजाए गए हैं और एकदम क्यूट लग रहा है, ये सब बलून सजाए गए हैं। और ये जो नदी है दूसरी है और पूरी बड़ी है, एकदम बड़ी नदी जैसे बनाया गया है, तो नदी जैसे बनाया गया है उसमें पानी डाल के बनाया गया है, तो ये सब बलून के सजाए हैं। ऐसे तो मैं भी अपने घर में सजाती हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगता है रंग बिरंगे। तो आप सबको ये पूरा का एरिया है, भी सुबह का एरिया है, सुबह हम आए थे 3 बजे, मेरी मम्मी तो 2 बजे उठ गई थी, तो कोई बात नहीं छोड़ो। तो ये गड्ढा खोद के बनाया जाता है ये, तो ये अभी हम चल रहे हैं मम्मी के पास, चलो चलते हैं अभी। ये सब कोई छठ पूजा मना रहा है, देखिए ये गन्ना है, गन्ना पहले तो मिलता नहीं था और कोई बात अब मिलने लगा है, छठ पूजा आ गया है तो दाम भी भर गया है बहुत। और ये उधर गुब्बारे पता नहीं क्या लगते हैं, और ये मेरे ड्रेस अच्छी लग रही है, बताइए कमेंट में, अच्छी लग रही होगी ना तो आप कमेंट में जरूर बताएंगे। देखिए इधर बलून, बलून कितने अच्छे लग रहे हैं ना, मैंने भी एक खरीदे थे, मेरे दोस्त है। चलो अभी हम जा रहे हैं मम्मी के पास, चलो मम्मी के पास चलते हैं अभी। देखिए मेरी मम्मी छठ पूजा मना रही है आज, तो ये मूली चढ़ाई है, ये फल अनार चढ़ाई है, और ये गाजर चढ़ाई, गाजर तो चढ़ता नहीं, कोई बात नहीं, जो गलती से बोल देता हूँ गलती से बोल देता, ये मेरे बाल में को लगा है तो मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, चिमटी लगी है तो। और ये रख देने के बाद मेरी मम्मी प्रसाद बांट रही है सब कोई को, ये आंटी प्रसाद लेने आई है, और अब दूसरी भी आंटी आ गई प्रसाद लेने, तो दोनों का कपड़ा सेम ही है तो कोई बात नहीं। और प्रसाद लेने तो आए हैं ना, केले हमने दिए और ये सब दिए, देखे हम बच्चे को भी दे रहे हैं। देखिए हम एक और आंटी आ गई, और संदूर भी मम्मी भर रही है, और केले भी दे रही है, और ये सब दे भी रही है अंकल को, सबको दे रही है, मेरी दोस्त भी इधर खड़ी है, माता बहन सबको संदूर लगाती है, इसको माता भी बहन कहा जाता है। देखिए मैं इधर खड़ी हूँ, मेरी ड्रेस अच्छी लग रही है, बताइए मैं सुबह पहन के आई थी, बहुत क्यूट लग रही है ना। तो केले भी हम बांट रहे हैं, देखिए हम सबको केले भी बांट रहे हैं, देखिए मैं भी बांट रही हूँ, मुझे अच्छा लग रहा था बांटने में केले, बहुत अच्छा भी लग रहा था केले बांटने में। और मेरा भाई भी बांट रहा है, और सबको मिलाया अंकल को। और ये सुबह का टाइम है, ये सबको मिल रहा है, अब हम अपने घर जाएंगे, तो छठी भैया भी जाएगी, तो देखिए ये अंकल हैं, मतलब क्या लगेंगे मेरे भैया लगेंगे, तो कोई बात नहीं, भैया केले भी लेकर जा रहे हैं। और कि अब
ओ, ये गन्ना है, गन्ना मैंने आपको दिखाया था ना। अभी अपने घर जा रहे हैं और छठी मैया भी अपने घर जा रही है, तो आप कमेंट में जय छठी मैया लिखिए और लाइक सब्सक्राइब कमेंट जरूर।